हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गीता मैम। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश लिटरेचर ऑफ स्टैंडर्ड 3। कुछ गार्जियंस के कॉल आ रहे थे कि मैम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश लिटरेचर कब से स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे भी कॉल कर रहे थे कि मैम इंग्लिश लिटरेचर कब से स्टार्ट होगा। उन बातों को समझते हुए मैं आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व किए देती हूँ। आज मैं आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊँगी। टुडेज टॉपिक ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। लिसन टू मी केयरफुली। नाउ कम टू माई टॉपिक ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। ट्रीज मीन्स पेड़, आर मीन्स है, आवर मीन्स हमारे, हमारा, और फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, यानी पेड़ हमारे दोस्त हैं। पेड़ हमारे दोस्त कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टार्ट। वन डे आवर टीचर अनाउंस्ड दैट द स्कूल वाज गोइंग टू सेलिब्रेट वन महोत्सव। वन डे आवर टीचर, एक दिन हमारे टीचर अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मीन्स घोषणा करना, घोषणा किए, अनाउंस्ड दैट द स्कूल वाज गोइंग टू सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं वन महोत्सव। एक दिन हमारे शिक्षक ने घोषणा किया कि स्कूल वन महोत्सव मनाने जा रहा है। द होल क्लास वाज ईगर टू नो व्हाट दिस मीन्ट। द होल क्लास, होल क्लास मीन्स पूरा क्लास के बच्चे, वाज ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक, टू नो व्हाट दिस मीन्ट, मीन्ट मीन्स मतलब, यानी पूरी क्लास के जो बच्चे थे इसका मतलब जानने के लिए उत्सुक थे। रोमा वाज द फर्स्ट टू आस्क। रोमा नाम की क्लास में लड़की है, वह सबसे पहले पूछती है, क्या पूछती है, मैम व्हाट इज वन महोत्सव, मैम वन महोत्सव क्या है, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, इस दिन हम लोग क्या करते हैं। रोमा सबसे पहले पूछती है मैम से कि मैम वन महोत्सव क्या है, इस दिन हम लोग क्या करते हैं। जिमी टू आस्क्ड डू वी सिंग एंड डांस ऑन दिस डे। जिमी नाम की एक लड़की है, वह भी मैम से पूछती है, वह क्या पूछती है, जिमी टू आस्क्ड डू वी सिंग एंड डांस ऑन दिस डे। जिमी ने भी पूछा, क्या पूछा, कि इस दिन हम लोग नाचते और गाते हैं। उस पर देखिए टीचर कैसे जवाब देते हैं। द टीचर लाफ्ड एंड सेड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। शिक्षक जो हैं, मैम जो हैं, मुस्कुराते हुए बोली, क्या बोली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, यह एक पेड़ों का त्यौहार है। मैम बता रही हैं रोमा और जिम्मी को, और सारे बच्चे बैठे हुए हैं उनको मैम बता रही हैं कि यह क्या है, पेड़ों का त्यौहार है। वन महोत्सव जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, यह एक पेड़ों का त्यौहार है। यस वी कैन सिंग एंड डांस बट द सब्जेक्ट ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज विल बी ट्रीज। वी, यस बोलती हैं, हाँ वी कैन सिंग एंड डांस, यानी हम लोग नाच और गा सकते हैं, बट द सब्जेक्ट ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज विल बी ट्रीज, लेकिन द सब्जेक्ट ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज यानी हमारी सभी क्रियाकलापों का विषय पेड़ होगा। उस दिन हम लोग नाचेंगे भी, गाएंगे भी, लेकिन पेड़ से संबंधित हमारी सभी क्रियाकलापों का विषय
पेड़ होगा, पेड़ से संबंधित ही हम लोग नाच सकते हैं और गा सकते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू मेक पीपुल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इट इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाते हैं। एक्टिविटीज यहाँ पे अंडरलाइन हमने किया है, एक्टिविटीज मीन्स क्रियाकलाप होता है, जो हम लोग करते हैं क्रियाकलाप उसको एक्टिविटीज कहते हैं। तो इट इज सेलिब्रेटेड यानी सेलिब्रेटेड मीन्स मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड टू मेक पीपुल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़, यानी पेड़ों के महत्व को समझते हुए लोग इसे मनाते हैं। लोग कैसे मनाते हैं? पेड़ों के महत्व को समझते हुए लोग मनाते हैं। अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आगे, द टीचर फादर सेड दैट वी हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ ट्रीज ऑन दिस अर्थ। अटेंशन प्लीज, द टीचर फादर, फादर मीन्स के अतिरिक्त, टीचर मीन्स शिक्षक, यानी शिक्षक ने इसके अतिरिक्त कहा, क्या कहा? द टीचर फादर सेड, टीचर ने इसके अतिरिक्त कहा, दैट वी हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ ट्रीज ऑन दिस अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, गिफ्ट मीन्स उपहार, अर्थ मीन्स पृथ्वी, गिफ्ट मीन्स उपहार। शिक्षक ने इसके अतिरिक्त कहा कि हम लोगों ने पृथ्वी को पेड़ों का उपहार दिया है। पृथ्वी को क्या दिया है? पेड़ों का उपहार दिया है। पृथ्वी पर नहीं, जमीन पर नहीं हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो हम लोग पृथ्वी को क्या दिया है? पेड़ों का उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है। ट्रीज सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ट्रीज सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पेड़ जो है हमारे जीवन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, पेड़ हमारे जीवन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। दिस इज, अब कैसे सपोर्ट करता है इसको सुनेंगे, कैसे सपोर्ट कर, दिस इज बिकॉज ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन। दिस इज बिकॉज, कैसे सपोर्ट करता है? यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ हमें क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है। ह्यूमन बींग्स एंड ऑल क्रिएचर्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव जाति, एंड ऑल क्रिएचर्स यानी सभी जीव जंतु, मानव जाति और सभी जीव जंतु जो है, सभी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टूडेंट्स टेल मी फटाफट, किसकी आवश्यकता होती है जल्दी से बताएंगे? ऑक्सीजन की। यस, वेरी गुड। ह्यूमन बींग्स एंड ऑल क्रिएचर्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, यानी मानव जाति, ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव जाति, और ऑल क्रिएचर्स मीन्स सभी जीव जंतु, सभी प्राणी को क्या, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी प्राणी, मानव जाति और सभी प्राणी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। When we breathe in oxygen, when means जब, when we breathe in oxygen, जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, we change it into carbon dioxide, तब हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ट्रीज टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। पेड़ पौधे जो हैं वह सांस के रूप में क्या करते हैं, क्या लेते हैं? पेड़ पौधे सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग, मानव जाति और सभी जीव जंतु जो हैं, ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, ट्रीज
help in preventing both drought as well as floods. Drought means sukha ya akal aur floods means baar. Drought means sukha ya akal aur floods means baar. पेड़ जो है सूखा और बाढ़ दोनों को रोकने में मदद करते हैं। पेड़ सूखा से भी हमें, जब सूखा होता है, गर्मी लगती है, तो पेड़ हमें छाया देते हैं, उसकी ठंडी ठंडी हवा में हम लोग बैठते हैं, और बाढ़ से भी पेड़ हमारी जो है वह रोक सुरक्षा करते हैं, दोनों को रोकने में मदद करते हैं। द रूट ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। पेड़ों की जड़ें जो हैं वह मिट्टी को एक साथ पकड़े हुए रहते हैं और मिट्टी को धोने नहीं देते हैं। The roots of the trees hold the soil together. पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ पकड़े हुए रहते हैं और उसकी मिट्टी को धोने नहीं देते हैं। उसको जड़ को एकदम पकड़े हुए रहते हैं मिट्टी से। It is very sad that we do not value trees as much as we need to. It is very sad that we do not value trees as much as we need to. यह बहुत ही दुख की बात है कि पेड़ों को जितना वैल्यू, मानव जाति को जितनी वैल्यू पेड़ों की देना चाहिए, उतना महत्व नहीं देते हैं। क्या करते हैं? We cut down trees without thinking about results. हम लोग जो हैं, हम परिणामों के बारे में सोचे बिना, हम उसके परिणामों को नहीं सोचते हैं। थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स, उसके परिणामों को सोचे बिना क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काटते हैं। ऑन दिस डे पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को भी दुख होता है ना, लेकिन यह मानव जाति समझने को तैयार नहीं है। हम अंधाधुंध पेड़ों को काटे चले जा रहे हैं। ऑन दिस डे Each one of us promises to plant at least one tree each and look after it until it grows up. On this day, इस दिन, each one of us promises, यानी इस दिन, किस दिन? वन महोत्सव के दिन। किस दिन? वन महोत्सव के दिन हम में से प्रत्येक को क्या करना चाहिए? वादा करना चाहिए। क्या वादा करेंगे? कम से कम एक पेड़ लगाने का वादा करो। जब तक वह बड़ा ना हो जाए, तब तक इसकी देखभाल करनी चाहिए। उसकी जिम्मेवारी आपके, आप पेड़ लगाएंगे, आप वादा कीजिए कि वन महोत्सव के दिन एक पेड़, कम से कम एक पेड़ प्रत्येक बच्चा लगाए, और वादा करें कि कम से कम एक पेड़ लगाए, और जब तक यह बड़ा ना हो जाए, तब तक इसकी देखभाल करें। रोमा जिम्मी एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्लांट ट्रीज, वाटर देम एंड लुक आफ्टर देम। रोमा जिम्मी और अदर स्टूडेंट्स, यानी रोमा जिम्मी और सभी छात्र जो हैं, यह सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? कि पेड़ के पौधे को लगाएं, पटाएं और उनकी देखभाल करें। रोमा है, जिम्मी है, और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सभी छात्र जो हैं, पेड़ के पौधे को लगाएं, पटाएं और उनकी देखभाल करें। दे हैव गॉट सैपलिंग फ्रॉम देयर टीचर। उन्हें अपने शिक्षक से क्या? सैपलिंग यानी एक पौधे मिल गए हैं। दे हैव प्लांटेड दिस सैपलिंग नियर देयर होम्स।
इन पौधों को अपने घरों के पास लगाएं। शिक्षक ने सभी बच्चों को एक एक पौधा दिया है और वह पौधे को ले जाकर अपने घरों के अगल बगल में लगाएं। Their parents are helping them in looking after the trees. जब घर के अगल बगल में पौधे लगेंगे तो उनके माता पिता जो हैं पेरेंट्स हैं उनकी क्या करें, देखभाल करें, उनको पेड़ में किसी तरह के पत्ते सूखे नहीं, कब उसे पटाया जाए, यानी हमेशा उनकी देखभाल करें कि ताकि पेड़ बड़ा हो जाए और छाया दे, फल दे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पेड़ के महत्व को जाना, पेड़ के महत्व को समझा, पेड़ के बारे में समझा कि पेड़ हमारे किस तरह से दोस्त हैं। पेड़ हम पेड़ नहीं होते तो हम सांस कैसे लेते हैं। पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन हम लोग को प्रदान करते हैं। मानव जाति और पूरी सभी जीव जंतु को पेड़ के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस मिलता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, वही गैस हम सांस के रूप में लेते हैं और जो हम लोग छोड़ते हैं सांस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस तरह से मानव जाति और पेड़ पौधों में गैस का आदान प्रदान किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे का एक्सरसाइज बताएंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। डैट्स ऑल, थैंक यू।